हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जी ट्वेंटी के यूट्यूब चैनल पे। तो आई सो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो है डेली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है एग्जाम के पर्पज से, आने वाले एग्जाम पर्पज में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो वो टॉपिक्स जो है यहाँ पे डील किए जाते हैं दोस्तों। जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है हमारा स्टॉक का। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्टॉक का रहेगा। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे ही बताऊंगा कितने टाइप्स के होते हैं, कॉजेस क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस क्या है, सारी चीज मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको फ्यूचर में हमारे जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा क्लास का 128वां टॉपिक रहेगा स्टॉक के बारे में। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ये स्टॉक है क्या। स्टॉक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जो भी ब्लड जो है ऑक्सीजन से रिच होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है वो जो है ब्रेन तक, ब्रेन की जो सेल्स है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डाई होने लगती है, यानी कि मरने लग जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा है कि सीवी इज द थर्ड बिगेस्ट किलर डिसीज इन इंडिया आफ्टर हार्ट अटैक एंड कैंसर। तो हार्ट अटैक एंड कैंसर के बाद में तो सीवी जो है वो यहाँ पे थर्ड बिगेस्ट किलर डिसीज जो है वो बन गई है। उसको कॉजेस की बात करें तो कॉज क्या है, कॉज यहाँ पे उसको ब्लॉकेज और ब्लीडिंग दोनों हो सकते हैं। ब्लॉकेज अगर पाथवे में दोस्तों ब्लॉकेज है तो वो इस यहाँ पे ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, ये ब्लॉक है यहाँ पे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी सेल्स जो है वो डाई होने लग जाएगी। या फिर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोवोल्यूमिया कराएगा, हाइपोवोल्यूमिया कराएगा तो वहां तक जो सेल्स तक फिर भी वो जो ब्लड जो है वो टू से रिच था वो नहीं पहुंच पाएगा। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स दो हैं, एक यहाँ पे नॉन मॉडिफाइड और एक है यहाँ पे मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल में ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, जैसे कि एज जो है इंक्रीज हो रही है तो दोस्तों एज जो है आपकी वो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जेंडर मेल फीमेल है तो वो भी आपका नॉन मॉडिफाइबल है। फैमिली हिस्ट्री अगर है, फैमिली में किसी को हुआ है, हो गया है तो आपको भी होने के चांसेस है। और अगर मॉडिफाइबल की बात करें तो हाइपरटेंशन है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे। देन हार्ट डिसीज, देन यहाँ पे डायबिटिक मेलिटस, स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस लेने से भी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो सीवे जो है वो देखने को मिलता है। तो आप इसको इतना नोट डाउन करिए, फिर अपन चलेंगे इसके जो नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस वगैरह के बारे में। दोस्तों और हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स यहाँ पे दो होते हैं दोस्तों, पहला होगा इस्ट्यूमिक और यह होगा हेमरेजिक। इस्ट्यूमिक आपको पता है कि कोई पार्ट तक अगर ब्लड ना पहुंच पाए तो उसे यहाँ पर इस्ट्यूमिक बोलते हैं। उसमें एम्बोलिस भी हो सकता है दोस्तों, एम्बोलिक स्ट्रोक जो कि मोर सीवियर है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। साथ में कोई थ्रोम्बस हो गया तो उसके लिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। साथ में हेमरेजिक की बात करें तो हेमरेजिक में आपको बताया था कि ब्लीडिंग हो रही थी उस वजह से, तो सब एर्थनॉइड यहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है और इंट्रासेरिब्रल हेमरोजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये आपको याद देने वाली बात है। यहाँ पे याद करना है किस तरीके से, अगर राइट साइडेड है एक और अगर लेफ्ट साइडेड, अगर दूसरे यहाँ पे राइट साइडेड का ब्रेन जो है वो अफेक्टेड है तो कौन सी यहाँ पे आपको साइन सिम्टम्स आएंगे, और लेफ्ट साइडेड का हार्ट अगर हार्ट में वो ब्रेन सॉरी ब्रेन राइट साइडेड ब्रेन में अगर अफेक्ट है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, और लेफ्ट साइडेड ब्रेन में अफेक्ट है तो क्या यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे। तो राइट साइड में देख लेते हैं, आपको पता है राइट साइड जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड जो है वो राइट को कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट में राइट के साइन सिम्टम्स आएंगे और राइट साइड में लेफ्ट आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, राइट साइड का। तो राइट साइड में लेफ्ट साइड हेमिफ्लेजिया हो जाएगा, हाफ पार्ट, इम्पेयर क्रिएटिविटी, पुअर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज अबाउट डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग कंफ्यूज रहेगा, और शॉर्ट अटेंशन स्पैज़म, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अटेंशन रहेगा बाकी नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं अगर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट वाला राइट साइड आएंगे तो राइट साइड हेमिफिलेजिया, साथ में अफेजिया, अफेजिया मतलब यहाँ पे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी पेशेंट को, एग्राफिया, एग्राफिया मतलब कोई भी वर्ड्स वगैरह है जो उसमें वो चीज लिख नहीं पाएगा या राइट नहीं कर पाएगा जो भी है आपका। फिर बाद में आता है डिसलेक्सिया, इम्पेयर्ड मैथ स्किल्स, और साथ में कैन नॉट सी ऑन राइट साइड क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में नहीं देख पाएगा। और अगर डिसलेक्सिया की भी बात करें तो डिसलेक्सिया में भी क्या है, यहाँ पे
जो पर्सन है वो अदर से क्या है यहाँ पे बोल ठीक से नहीं पाएगा, साथ में ग्राफ सही से नहीं बना पाएगा या फिर वर्ड सही से नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया भी क्या है, एक स्पीच का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, इनको लिखिए, फिर हम चलेंगे आगे डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं अपन यहाँ पर डायग्नोसिस और मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो डायग्नोसिस की बात करें तो साइन एंड सिम्टम जो है यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे रहेंगे, साथ में सीटी स्कैन और एमआरआई करा के भी इसमें जांच कर सकते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे आपका इस्टोमिक है या फिर हेमरेजिक है, उससे भी पता चल जाएगा, हेमरेजिक आपको पता चल जाएगा, इस्टोमिक कहीं पर ब्लॉक होगा। तो जैसे साइन एंड सिम्टम्स मैंने अभी बताया था डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया में एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि स्पीच में आपको दिक्कत यहाँ पे डिफिकल्टी देखने को भी मिलती है, आइडेंटिफाई करने को भी मिलती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इस्टोमिक और हेमरेजिक के दोनों अलग अलग मेडिकल मैनेजमेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। इस्टोमिक की बात करें तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टीपीए यानी कि टिश्यू प्लाज्मोलाइजेशन एक्टिवेटर दे सकते हैं जो कि हमारा एल्टीप्लेस और रेटिप्लेस के नाम से है। एस्पिरिन दे सकते हैं क्योंकि थ्रोम्बस था, ठीक है। वार्फिन दे सकते हैं, साथ में यहाँ पे क्लोपिड्रोल जेल दे सकते हैं। हेमरेजिक की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्पेशली कहाँ पे, मैंने दो बताए थे इसके, सब एरेक्नॉइड स्पेस में अगर यहाँ पे आपको हेमरेजिक देखने को मिला तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग देख सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपनी देखने की, आप जिस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में जो है मैंने वो समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ सकते हैं, कमेंट करके हर एक कमेंट का जो है मैं रिप्लाई दूंगा। तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा और लोगों को भी शेयर करेगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमारे जीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक जीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आगे भी आपको फ्यूचर में जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलती है वो मैं लाता हूं। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।